इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में पिछले दिनों संजय नामक युवक का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसको लेकर फरियादी ने थाने पर चोरी के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने टेक्निकल आधार पर जफर उर्फ शादाब को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले संजय नामक युवक का मोबाइल पिछले दिनों चोरी होने की शिकायत के आधार पर पुलिस लगातार मोबाइल चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस विभिन्न तरह से जांच में जुटी हुई थी कि तभी पुलिस ने टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने जफर उर्फ शादाब निवासी दीपमाला ढाबा के पास में रहने वाले युवक के पास से चोरी हुए मोबाइल जब्त किए। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन चोरी करने के बाद आरोपी अपने मां का फोटो फेसबुक पर डाल दिया था और उसी आधार पर वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिलहाल पुलिस अन्य चोरी के मामले में भी पकड़ाए युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। कल थाना बाणगंगा में एक मोबाइल चोरी की रिपोर्ट पुलिस से दर्ज थी, जिसमें जो मोबाइल चोरी गया था फरियादी का, उसमें आरोपी ने फेसबुक पर अपनी माँ की आईडी डाल दी थी और उसके आधार पर फिर पुलिस ने तलाश किया उस मामले में कि किस महिला की फ़ोटो है और किसकी आईडी डली हुई है, और उसके माध्यम से पुलिस जो है चोर तक पहुंची है और पुलिस ने मोबाइल जब्त किया है। उस फरियादी के मोबाइल के अलावा और भी अन्य मोबाइल पुलिस ने आरोपी से भी जब्त किया है।